आज का हमारा पहला टॉपिक होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो एक प्रॉपर्टी थी, एम जिसका सिंबल था, कैसे उसका एक्सप्रेशन निकालें किसी भी अरेंजमेंट के लिए। म्यूचुअल इंडक्टेंस कहां यूज हो रहा था? जहां म्यूचुअल इंडक्शन था। जैसे सपोज कीजिए आपको दो कोप्लेनर कॉइल्स दी गई, कोप्लेनर कॉइल्स की एक अरेंजमेंट दी गई है और मुझे उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। इस तरह से दीज आर टू कंसेंट्रिक कोप्लेनर कॉइल्स, कंसेंट्रिक कोप्लेनर कॉइल्स आपको दी हैं और हमें इनके बारे में जैसे कुछ रेडियस वगैरह दे दिया। एक का रेडियस है कैपिटल आर और एक का रेडियस है स्मॉल आर। क्वेश्चन में दिया गया है कि स्मॉल आर बहुत छोटा है कैपिटल आर से। नंबर ऑफ टर्न्स इसमें है एन वन एंड नंबर ऑफ टर्न्स इसमें है एन टू। बस कोई करंट नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया गया। हमसे पूछा गया है कि ये जो आपका अरेंजमेंट है, हमसे बस ये पूछा गया है कि ये जो आपका अरेंजमेंट है आपको ना इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है कि इस अरेंजमेंट का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। तो देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के तीन स्टेप। स्टेप फर्स्ट, रन ए करंट आई थ्रू एनी वन ऑफ द टू कॉइल्स। किसी भी एक में करंट आई भेजिए एंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर बी, राइट द एक्सप्रेशन फॉर बी एट द लोकेशन ऑफ अदर कॉइल। पहला काम आपको यह करना है कि इनमें से किसी भी एक कॉइल में आप करंट आई भेजिए और उसकी वजह से दूसरी कॉइल की लोकेशन पे आप मैग्नेटिक फील्ड लगाइए, लिखिए कि भाई कितना होगा। तो अब ये आपको खुद जज करना होगा कि करंट आई बाहर वाले में भेजना चाहिए कि अंदर वाले में, मतलब बड़े वाले में कि छोटे वाले में, जिसकी वजह से दूसरे की लोकेशन पे बी लिखना आसान हो आप उसमें भेजो। देखो सबसे पहली बात, अगर मैं अंदर वाले में आई करंट भेजता हूं तो वो एक सर्कुलर कॉइल है। हम सर्कुलर कॉइल में जब करंट फ्लो करता है तो बी उसके सेंटर पे लिखना जानते हैं और उसके एक्सिस पे लिखना जानते हैं। क्या बाहर के भी ऐसे कोई जनरल से फॉर्मूले हैं हमारे पास? देखो इधर सुनो, अगर हम बाहर वाले में करंट भेजते हैं तो अंदर वाली कॉइल का रेडियस इतना छोटा है कि आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि अंदर वाली कॉइल कहां रखी हुई है, उसके सेंटर पे। और अगर अंदर वाली कॉइल में करंट भेजते हैं तो बाहर वाली कॉइल ना उसके सेंटर पे है ना उसके एक्सिस पे है और बी भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, यहां कुछ होगा यहां कुछ होगा इस तरह का। तो आप बताओ किसमें बी लिखना सही रहेगा, किसमें करंट भेजना सही रहेगा, ये बताओ आप। बाहर वाली बड़ी कॉइल, बड़ी कॉइल में या छोटी कॉइल में? बड़ी में, क्योंकि बड़ी में करंट भेजोगे तो ये छोटा, इतना छोटा है कि उसके सेंटर पे है तो बी एक यूनिफॉर्म से आप मान सकते हैं। छोटे में अगर आप करंट भेजेंगे तो बड़े कोयल का कोई पार्ट कितनी दूर है, कोई कितनी दूर, कोई कितनी दूर, तो पूरे में से फ्लक्स लिखने में दिक्कत आएगी। तो हमने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया कि आउटर पार्ट, ये दिया नहीं होगा क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, हमने अपनी तरफ से एज्यूम किया कि जो बाहर वाला पार्ट है उसमें करंट भेजा आई और उसकी वजह से बी लिखो एट द लोकेशन ऑफ अदर कोयल। अदर कोयल ये है, सेंटर पे जो बी होगा यूं घूम रहे तो बी आगे होगा एंड यहां जो बी होगा वो होगा म्यूनोट। क्या फॉर्मूला था सर्कुलर कोयल जिसमें एन टर्न्स हो उसके सेंटर पे बी का? म्यूनोट एन आई बाई टू। हाँ, तो एन है एन वन, आई पूरा आई दिया ही है, डिवाइडेड बाई टू आर, ये आपका बी आ गया और ये ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म मान सकते हैं बी, क्योंकि क्योंकि ये इसके सेंटर पे ही है क्योंकि आर बहुत ही छोटा है। उसके बाद स्टेप सेकंड, राइट मैग्नेटिक फ्लक्स
थ्रू द सेकेंड कॉइल, राइट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सेकेंड कॉइल। अब ये जो बी आया इसकी वजह से दूसरी कॉइल में से फ्लक्स लिखो, तो ये दूसरी जो कॉइल है ये इस तरह की बनी है, नंबर ऑफ टर्न्स है एन टू, एरिया आगे ही बनेगा ए टू जो होगा पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, और बी आगे की तरफ है, बी है ही और उसे आप ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म मान सकते हो, तो इसमें से फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स नंबर ऑफ टर्न्स एन टू इंटू फ्लक्स थ्रू ईच टर्न बी डॉट ए टू। हाँ जी भाई बताओ, फ्लक्स लिखने का तरीका समझ में आया, कैसे लिखा? ये म्यूचुअल फ्लक्स है कि सेल्फ फ्लक्स है बताएं? ये म्यूचुअल फ्लक्स है या सेल्फ फ्लक्स है? म्यूचुअल, क्योंकि इस कॉइल के करंट की वजह से यहां लिख रहे, तो ये आया म्यूचुअल फ्लक्स। बी डॉट ए अगर आप करते हो इसमें तो बी डॉट ए टू आएगा बी इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कोस जीरो, कोस जीरो वन होता है, तो ये निकल के आया एन टू इंटू बी, बी आपका है म्यूनोट एन वन आई अपॉन टू आर, एरिया है पाई स्मॉल आर का स्क्वायर और कोस जीरो हो गया वन, तो मेरे पास म्यूचुअल फ्लक्स आ गया, म्यूचुअल फ्लक्स इज इक्वल टू म्यूनोट पाई अपॉन टू आर, मैं उसको देख के लिख रहा हूं, एन वन एन टू स्मॉल आर स्क्वायर और इन टू कैपिटल आई। हाँ जी यही है ना, एक बार आप भी देख लो, वो जो फ्लक्स लिखा है वो यही लिखा होगा, मैंने आई को अलग कर दिया बाकी सबको अलग कर दिया। अब कल एक चीज हमने पढ़ी थी कि जो म्यूचुअल फ्लक्स होता है फाई म्यूचुअल दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइड वाले का करंट, तो ऐसा तो यहां दिख भी रहा है, फाई म्यूचुअल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइड वाला करंट, तो ये आपका स्टेप थर्ड यहां स्टार्ट हो जाता है, स्टेप थर्ड एम निकालने का आखिरी स्टेप कि फाई म्यूचुअल इज। हाँ जी देखो तीनों स्टेप में बता रहा हूं, कोई करंट नहीं दिया था, कोई करंट नहीं दिया था, बस एक अरेंजमेंट दी थी और आपसे बोला कि इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो, जैसे मान लो एक रेजिस्टेंस दी हो, कोई भी एक रजिस्टर दिया और आपको उसकी रेजिस्टेंस निकालनी है ओम्स लॉ मेथड से, तो कोई वोल्टेज नहीं कोई करंट नहीं, हम क्या करते हैं एक सप्लाई देते हैं उसको, वोल्टेज मेजर करते हैं उसके अक्रॉस, करंट कितना फ्लो कर रहा है वो मेजर करते हैं और फिर वी बाई आई कर देते हैं, वो आपका आर हो जाता है। सेम काम यहां है, सबसे पहले इन दोनों में से किसी एक में करंट भेजो, वो आपको खुद जज करना है कि किस में करंट भेजने से दूसरे में फ्लक्स लिखना आसान होगा। तो हमने डिसाइड किया कि आउटर पार्ट में जो बाहर वाली जो बड़ी कॉइल है उसमें करंट भेजते हैं, क्योंकि उसकी वजह से बीच वाली कॉइल में से फ्लक्स लिखना आसान रहेगा। तो पहला स्टेप तो ये है कि रन ए करंट आई थ्रू एनी वन ऑफ द टू कॉइल्स, इन दो कॉइल्स में से किसी एक कॉइल में आप करंट आई भेजिए एंड फिर आप एक्सप्रेशन फॉर बी लिखिए एट द लोकेशन ऑफ अदर कॉइल, दूसरी कॉइल के लोकेशन पे आप एक्सप्रेशन फॉर बी लिखिए, तो बी आपका निकल के आया म्यू नॉट एन वन आई अपॉन टू आर। ये तो आया, पहला स्टेप आ गया समझ में, ठीक है। दूसरा स्टेप, अब इस बी की वजह से, ये बी है इसके करंट का, इसके करंट की वजह से दूसरे में से फ्लक्स लिखोगे तो वो है म्यूचुअल फ्लक्स, तो राइट म्यूचुअल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सेकंड कॉइल, सेकंड कॉइल में से फ्लक्स होता है एक टर्न में से तो होगा बी डॉट ए, और ऐसे ऐसी एन टू टर्न्स हैं तो ये हो जाएगा एन टू इंटू बी डॉट ए, एक टर्न में से बी डॉट ए, एन टू टर्न में से एन टू इंटू बी डॉट ए, ये आपका हो गया एन टू इंटू बी डॉट ए टू। बी आगे है, ये ऐसे रखी हुई कोप्लेनर है तो इसका एरिया भी आगे होगा, तो ये बनेगा बी, बी का मैग्नीट्यूड म्यूनोट एन वन आई अपॉन टू आर, एरिया का मैग्नीट्यूड पाई आर स्क्वायर, और दोनों के बीच का एंगल था जीरो डिग्री, तो डॉट प्रोडक्ट में आना है कोस जीरो जो कि वन हो जाएगा, तो इसको मैंने ठीक ठाक करके लिखा, तो ये जो कॉन्स्टेंट अलग कर लिया और इसके अलावा एक अलग से करंट बन गया आई, तो ये दिख रहा है कि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। बताओ स्टेप सेकंड समझ में आया कि नहीं आया? अब स्टेप थर्ड, फाई म्यूचुअल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पड़ोसी के करंट के, और यहां जो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आता है उसे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते थे आई, तो एम निकल के आया फाई म्यूचुअल अपॉन आई, तो फाई म्यूचुअल को अगर आप आई से डिवाइड करोगे तो आप खुद देखें इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है, म्यूनोट पाई एन वन एन टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आर, ये इस अरेंजमेंट का म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया।
क्या ये आई पे डिपेंड कर रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस, बताओ करंट पे? क्या ये म्यूचुअल इंडक्टेंस करंट पे डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि करंट तो लास्ट में कैंसिल हो जाना, ये तो एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है। तो ये जरूर ध्यान रखना कि आई से इंडिपेंडेंट आना चाहिए, नहीं तो आपने गलती कर दी है। पहला काम किसी भी एक लूप में करंट भेजिए, दूसरा उसकी वजह से फ्लक्स निकालो दूसरे लूप में से, और तीसरा फाइव बाई आई कर लो और आई कैंसिल होना चाहिए, तब जाके आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस सही निकला। मतलब ये एक ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी है, ये करंट वोल्टेज इन चीजों पर डिपेंड नहीं करता। हाँ जी भाई, ये बताओ आया क्या समझ में, कैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना होता है? अब मेरा दूसरा सवाल, अगर मैं करंट अंदर वाले लूप में फ्लो करवाता तो भी क्या इनकी यही वैल्यू आती? बताओ, अगर मैं करंट अंदर वाले लूप में फ्लो करवा के बाहर वाले में से फ्लक्स लिखूं तो क्या तब भी एम सेम आना चाहिए? पता, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, क्या बोला एक मिनट दोबारा बोलना, यस और नो? देखो मैं एक बार फिर से बोलता हूं, मेरा सवाल यह है कि अगर मैं अंदर वाले लूप में करंट भेजता और फिर बाहर वाले में से फ्लक्स निकालता तो क्या फ्लक्स सेम आता कि नहीं आता, ये मेरा सवाल है। स्टेप फर्स्ट जो है, अगर मैं ऐसे कर लेता कि भाई मैंने करंट फ्लो करवा दिया अंदर वाले लूप में, इस छोटे से लूप में करंट आई फ्लो करवा दिया, और मैं अब फ्लक्स लिखूं बाहर वाले बड़े लूप में से, तो इसकी फील्ड लाइन यहां से तो यूं जानी है पर ये बाहर से यूं निकलेगी, तो अब अगर मैं फ्लक्स आउटर लूप में से लिखता इसमें आई करंट फ्लो करवा के, जब इसमें एन टू टर्न्स थे इसमें एन वन टर्न्स थे, तो क्या अब भी फ्लक्स यही आता कि नहीं आता आउटर लूप में से? मी नॉट अपॉन टू आर एन वन एन टू आर स्क्वायर इन टू आई, ये इस बात का जवाब दो। जब मैंने बाहर वाले में आई करंट फ्लो करवाया तो अंदर वाले में से फ्लक्स का ये एक्सप्रेशन आया, ये अगर मैं अंदर वाले में करंट फ्लो करवाऊं आई तो क्या बाहर वाले में फ्लक्स का सेम एक्सप्रेशन आएगा कि नहीं आएगा, बताओ? वो फ्लक्स कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? बाहर वाले में जब करंट फ्लो करता है तो अंदर वाला लूप ऑलमोस्ट उसके सेंटर पे है, बाहर वाले में जब करंट फ्लो कर रहा है तो अंदर वाला लूप ऑलमोस्ट उसके सेंटर पे है, और उसके सेंटर पे है तो आराम से आप फ्लक्स लिख पाए क्योंकि वहां भी यूनिफॉर्म है, परंतु अंदर वाले में जब करंट फ्लो करेगा तो बाहर वाले लूप में फ्लक्स नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, यहां ज्यादा यहां कम यहां और कम, तो फ्लक्स लिखना इंटीग्रेशन से बड़ा बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है, लिखना मुश्किल है कि नहीं उसको छोड़ो, अगर इसमें आई करंट भेज के इसमें फ्लक्स लिखा ये आया तो अगर अंदर वाले में आई करंट भेजेंगे तो क्या बाहर वाले में से सेम फ्लक्स आएगा या नहीं आएगा, ये सवाल है। बताओ आप, यस और नो? यस। हाँ बिल्कुल, इस थ्योरम को बोलते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ये जो हम अभी यूज कर रहे हैं इस थ्योरम को नाम दिया जाता है, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है फिजिक्स की, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। एज सच आपसे बोर्ड एग्जाम में ये पूछा नहीं जाएगा रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या होती है, इस तरह से थ्योरम की तरह नहीं, पर आपको पता होना चाहिए कि क्या है। रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहती है कि अगर दो लूप कहीं भी आसपास हैं, एक में करंट आई भेजा दूसरे में से फ्लक्स फाई है, तो अगर दूसरे में करंट आई भेजोगे तो पहले में से भी सेम फ्लक्स फाई आएगा, चाहे आप एक को कैलकुलेट कर पाए या ना कर पाए। तो ये रिजल्ट बड़ा काम का है। अब कभी सवाल आ जाए, आपसे म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं पूछा, आपसे क्वेश्चन में यही दिया कि इसमें करंट आई जा रहा है और पूछ रहे कि बाहर वाले में से फ्लक्स बताओ, तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगाओ ना, छोड़ो अंदर वाले में करंट को, आप सेम करंट बाहर मान लो और अंदर वाले में फ्लक्स लिख दो और वही सेम आंसर होगा। ठीक है, आ गया समझ में? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ है जो मैंने लास्ट में बोला है अभी? यस। ठीक है, इसीलिए जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि करंट आपने अंदर वाले में भेजा है कि करंट बाहर वाले में भेजा है, ड्यू टू रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो अभी हमने एक चीज देखी कि दो कंसेंट्रिक कोप्लैनर कॉइल्स हैं तो उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकाला जाए, और वो करंट वरंट पे डिपेंड नहीं करता है।
अच्छा अब आप यूं बताओ, अगर मान लो मैं 2112 ये सब सिंबल देके चलूं, इस केस में 2112 इस तरह से सिंबल देके चलूं, मान लो ये है कॉइल नंबर वन एंड ये है कॉइल नंबर टू, तो आपने कॉइल टू का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला है विद रिस्पेक्ट टू वन, तो इसको नाम दिया जाएगा M21। M21 का मतलब है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल टू विद रेस्पेक्ट टू कॉइल वन, मतलब कॉइल वन में करंट भेज के टू में से फ्लक्स लिखा आपने। दिस इज सेम एज M12, यही कहती है रेसिप्रोसिटी थ्योरम कि अगर M1 लिखें विद रेस्पेक्ट टू टू, मतलब टू में करंट भेज के अगर आप वन में से भी लिख देते तो भी फ्लक्स सेम आता और तो भी म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम आता। शायद ये पॉइंट तो क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, अब अगला सवाल ये है कि दो लूप्स हैं, दो कोई अरेंजमेंट है आसपास, क्या रिलेटिव ओरिएंटेशन चेंज करने से म्यूचुअल इंडक्टेंस चेंज होता है कि नहीं होता है? रिलेटिव ओरिएंटेशन चेंज करने से म्यूचुअल इंडक्टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा, इस सवाल का जवाब दीजिए। रिलेटिव ओरिएंटेशन मतलब अभी को प्लेनर ले रखे हैं आपने, ऑर्थोगोनल ले लिए या और किसी एंगल पे ले लिए, तो मेरा सवाल यह है कि क्या रिलेटिव ओरिएंटेशन चेंज करने पे म्यूचुअल इंडक्टेंस चेंज होगा या नहीं होगा? इसी को देखो, कोप्लेनर की जगह मैं ऑर्थोगोनल कॉइल्स ले लेता हूं, कोप्लेनर की जगह ऑर्थोगोनल कॉइल्स ये हमने लिए। ऑर्थोगोनल कॉइल का मतलब है परपेंडिकुलर कॉइल, मतलब ये जो कॉइल है ये यू ना रख के इसका प्लेन कुछ ऐसे हो जाना है यूं। हाँ भाई, ये बन गई ऑर्थोगोनल कॉइल, समझ में आ रहा है? कोप्लेनर की जगह ऑर्थोगोनल किया तो क्या हो गया? आप देखो इसका एरिया जो एरिया नंबर टू है वो परपेंडिकुलर टू द कॉइल होगा, एरिया ए टू ऊपर और पहले का बी इधर, तो बी और एरिया के बीच का एंगल है 90 डिग्री। अब बताओ फ्लक्स कितना होगा? जीरो। अब फ्लक्स होगा जीरो, और फ्लक्स जीरो होगा तो एम होता है फ्लक्स अपॉन आई, जीरो अपॉन आई, आई तो नॉन जीरो है और फ्लक्स जीरो है, तो अपने आप जो फ्लक्स आएगा वो फ्लक्स कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। अपने आप जो फ्लक्स आएगा दैट विल बी जीरो। फ्लक्स जीरो का मतलब है म्यूचुअल इंडक्टेंस जीरो आ गया। तो इसका मतलब क्या रिलेटिव ओरिएंटेशन पे म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है कि नहीं करती है? बताएं इस बात का जवाब दीजिए। पता, मैंने कॉइल की ओरिएंटेशन थोड़ी सी चेंज की आपस में, पहले दोनों कोप्लेनर थे परपेंडिकुलर, म्यूचुअल इंडक्टेंस पहले नॉन जीरो आ रहा था और अब कितना हो गया है? जीरो। इट मींस म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द टू कॉइल्स पे डिपेंड कर रही है। समझ में आ गया होगा? हाँ भाई, आ गया कि नहीं आया समझ में ये पॉइंट? और सपोज कीजिए क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि सेकंड कॉइल यूं रखी हुई है, छोटी सी कॉइल है सेकंड कॉइल, और उसका जो ये जो डायरेक्शन है और इसके जो परपेंडिकुलर है नॉर्मल, इस कॉइल और उस कॉइल के नॉर्मल के बीच का एंगल दे दिया 60 डिग्री, इस कॉइल और उस कॉइल के बीच के नॉर्मल का एंगल दे दिया 60 डिग्री। अब पूछे म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, तो फर्क कहां आएगा? जब आप फ्लक्स लिखने लगोगे, फ्लक्स थ्रू आउटर, तो एन इंटू बी डॉट ए करोगे, वो बी डॉट ए में यहां मैंने कोस जीरो किया था, कोस जीरो की जगह आ जाएगा कोस 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री होता है 1/2, तो आप जब 1/2 यहां करोगे तो ये 1/4 हो लेगा, और ये 1/4 होगा तो ये भी नीचे 4 हो जाएगा। तो इस तरह का कोई भी सवाल आए बताओ, अब कर पाएंगे दो कॉइल्स वाले? यस सर। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं वो हमने सीखा। अच्छा, म्यूचुअल इंडक्शन जो है, इंडक्शन वो एक फिनोमेना है, इससे भी एक स्टेप आगे। म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो एक फिनोमेना है जो इससे भी एक स्टेप आगे है, मतलब इंडक्टेंस तो होगा चाहे करंट हो या ना हो, दो कॉइल है तो आपस का इंडक्टेंस तो होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये करंट हो या ना हो। अगर करंट कांस्टेंट है तो म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगा, और अगर करंट वेरिएबल है तो म्यूचुअल इंडक्शन होगा जिससे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस तो हमेशा रहेगा चाहे करंट हो चाहे करंट ना हो, चाहे करंट वेरिएबल हो चाहे करंट कॉन्स्टेंट हो। इसमें आई करंट है
तो इसमें आई करंट होने से यहाँ ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो जाना है। अगर ये करंट आई वेरिएबल होगा तो फिर यहाँ ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इंडक्टेंस और इंडक्शन दोनों में डिफरेंस आ गया कि नहीं आया समझ में? यस। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे अगला अरेंजमेंट हम लेते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने वाला, सपोज आपको ये दिया गया है टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड्स, ईच ऑफ लेंथ एल। आपको दो लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड दे दिए, लॉन्ग है लेकिन उनकी लेंथ भी दी गई है। एक सोलेनोइड ये है और दूसरा सोलेनोइड इसके बीच में है, इस तरह से कि दोनों का एक्सिस कॉमन है। ये दोनों पे वायर्स लिफ्टी होंगी, बाहर वाले मैं थोड़ा दूर दूर कर रहा हूं ताकि इतनी दूर होती नहीं, पास पास होती वायर्स। इस तरह से और बाहर वाले पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन वन, जो कॉमन लेंथ है दोनों की दैट इज एल, कॉमन लेंथ इज एल। बाहर वाले का रेडियस है कैपिटल आर एंड अंदर वाले का रेडियस है स्मॉल आर। अंदर वाले का रेडियस मैं बना रहा हूं स्मॉल आर और अंदर वाले पे जो टर्न्स हैं वो भी ऐसे ही हैं, वे थोड़ा सा दूर दूर वैसे ही दिखाया है, दूर दूर नहीं है, पास पास ही है ताकि दिख जाए भी इस पे भी कुछ टर्न्स हैं। ये इस पे टर्न्स हो गए और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है एन टू, अंदर वाले में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है एन टू। ये एक ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट आपको दे दी टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड्स, दोनों की लेंथ आपको दी गई है एल, आपको निकालना है कि इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। तो बताओ किसमें करंट भेज के किसमें से बी लिखना चाहिए, किसमें करंट भेज के किसमें से बी लिखना चाहिए? यहां कोई कंडीशन नहीं कि आर बहुत छोटा है, ऐसा कुछ नहीं दिया हमें, दिया नहीं है कि ये स्मॉल आर बहुत छोटा है ना, इस तरह की कोई व्यवस्था यहां पर नहीं दी गई है। अब बताओ किसमें करंट भेज के किसमें से फ्लक्स लिखा, इस केस में इक्विवेलेंट है क्योंकि दोनों में से फ्लक्स लिखना आसान है, क्योंकि जब वर्ड आ गया लॉन्ग सोलेनोइड, लॉन्ग सोलेनोइड अगर आपको याद हो लॉन्ग सोलेनोइड के अंदर भी यूनिफॉर्म एंड नॉन जीरो होता है म्यू नॉट एन आई, एंड अगर लॉन्ग सोलेनोइड है तो उसके बाहर भी जीरो होता है, ध्यान है कि नहीं है? कभी एसीएल के टाइम वहां हमने पढ़े थे मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में, मैग्नेटिज्म से पहले, लॉन्ग सोलेनोइड के अंदर भी नॉन जीरो होता है और बाहर भी जीरो होता है। देखो दोनों तरीके से देख लेते हैं। सबसे पहला मेथड, मैं M निकालना चाह रहा हूं म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो मैं मेथड फर्स्ट पे चला, करंट I मैंने भेजा सपोज आउटर में, मान लीजिए आउटर में करंट I ऐसे आया तो ये करंट I यूं फ्लो कर रहा होगा, इस I की वजह से अगर आप बीच वाली सोलेनोइड के लोकेशन पे B देखें तो इधर होगा, इधर की तरफ ये बी होगा, लेकिन मुझे खाली इसकी लोकेशन पे देखना है। और आउटर की वजह से जो बी होगा, लॉन्ग सोलेनोइड का बी यूनिफॉर्म होता है म्यू नॉट इनटू एन, एन बाहर वाले का है एन वन इनटू आई। ये बताओ बी लिखना यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब बताते रहो, क्या फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गए? हाँ भाई बोलो, बी लिखना समझ में आया? बीच वाले कोयल पे कितना बी होगा? अरे कुछ जवाब दो, क्या ये बी तक का काम समझ में आ गया है? मैंने बाहर वाले सोलेनोइड में आई करंट भेजा, उसकी वजह से मैंने इनर सोलेनोइड के लोकेशन पे बी लिखा, क्या आपको ये बी समझ में आ गया है कि नहीं आया? कितना लिखा है? मी नॉट इंटू एन वन इंटू आई, ये आपका बी हुआ।
उसके बाद देखिए बी होने के बाद अब हम दूसरे स्टेप पे चल रहे हैं। अब हम फ्लक्स लिखेंगे बीच वाली वायर में से कितना फ्लक्स होगा, बीच वाले सोलेनोइड में से। अब अगर आप फ्लक्स लिखते हो तो जो फ्लक्स होगा म्यूचुअल फ्लक्स थ्रू ट्यूब, ये मैं इसको टू बोल देता हूं एंड इसको वन, म्यूचुअल फ्लक्स थ्रू टू ड्यू टू वन। अगर मैं ये लिखूं म्यूचुअल फ्लक्स थ्रू ट्यू सेकेंड टू ड्यू टू वन, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स बीच वाले में है एन टू इंटू एल पर यूनिट लेंथ इंटू टोटल लेंथ इंटू बी डॉट ए टू, ये आपका बनेगा एन टू एल इंटू बी डॉट ए टू। बी है म्यू नॉट इंटू एन वन आई और एरिया एक टर्न का बनेगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर और इंटू कोस जीरो डिग्री, कोस जीरो वन होगा। तो ये जो फाइव टू वन आया, फाइव टू वन म्यू नॉट एन वन एन टू पाई आर स्क्वायर एल और इंटू आई। और अब एक लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप होता है, लास्ट स्टेप जो होता है दैट इज फाइव बाई आई। तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस बनेगा फाइव बाई आई करके, तो वो आपका आया म्यू नॉट एन वन एन टू इंटू पाई आर स्क्वायर एल एंड पाई आर स्क्वायर एल इज द वॉल्यूम ऑफ इनर सोलेनोइड। तो अगर मैं इससे डिवाइड करूं तो मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया कि म्यूचुअल इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इनर सोलेनोइड, म्यूचुअल इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इनर सोलेनोइड इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन वन इंटू एन टू। तो लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड में ये आपका फॉर्मूला आ गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इनर सोलेनोइड इज म्यू नॉट एन वन एन टू। ये बीच में आपका जूम कनेक्शन हट गया था, मैंने पूरा लेक्चर ये कंप्लीट किया है, ये वाला टॉपिक रिकॉर्ड किया है, आप देख लेना यहां से वीडियो रिकॉर्डिंग से। एक तो ये फॉर्मूला आया बाहर वाले में करंट भेज के, अंदर भी लिख के। अब आपका होमवर्क ये है कि अंदर वाले में करंट भेज के और बाहर वाले में से फ्लक्स लिख के फिर भी आप ये फॉर्मूला डेराइव करेंगे, बिकॉज इसमें पॉसिबल है। कॉइल वाले में बड़ा मुश्किल हो जाता, लेकिन यहाँ सोलेनोइड में, लॉन्ग सोलेनोइड में पॉसिबल है। तो ये आपका होमवर्क है, यह आप जरूर यहां से डेराइव कीजिए। तो आज की क्लास में हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना सीखा है, और एक चीज ये सीखी कि वो अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है, रिलेटिव ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड नहीं करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन कैलकुलेट करने के लिए करंट भी भेजना होगा, फील्ड भी लिखना होगा और फ्लक्स भी लिखना होगा। तो चलिए आप ये पूरा लेक्चर यहां से वीडियो देख लें और ये पूरा अपना कनेक्ट कर लीजिए कि किस तरह से पार्ट हुआ है। फिर मैं बताऊंगी आपको दोबारा से करना है मेथड सेकंड, आप आई इनर पार्ट में भेज के आउटर में से कैलकुलेट करेंगे और उससे भी आपका फॉर्मूला डेराइव होना चाहिए। थैंक यू।